जी आज आप आई हमारी सुपरस्टार डुपरस्टार आंखों दिलों की धड़कन है, एक सच बात बतानी आपने जी। आप कहें जो कहूंगी सच कहूंगी। आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि शादी कभी फटी जुराबे पहन के रिकॉर्डिंग पे गई? हाँ हाँ बहुत बार, मैं तो दो मुख्तलिफ जुराबे भी पहन के गई, वो तो बाद में रियलाइज हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने कहा कि कोई मीम्स वगैरह बने थे, क्या मीम्स? बस वो मीम्स बन गए थे, मैंने पता नहीं बुरी किस्मत कह दिया, रणबीर कपूर दूसरा नाम इनका ले लिया तो वो ऐसे ऐसे गाने तो चले। क्या लोग इस मवाजने के ऊपर आप पे उन्होंने मीम्स बनाए? हाँ जी। क्या आपने रणबीर कपूर को कैसे पिया के साथ क्यों मिलाया? जी जी बिल्कुल, कुछ इसी किस्म के। माशाल्लाह वो प्यारा नहीं ना गड्ढा। रणबीर कपूर कहाँ, कैसर पिया कहाँ, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क तो है। वेलकम बैक जी, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो आपका ड्रामा है दिले नदान, उसमें आपने जो करेक्टर को अदा किया है वो बड़ा मासूमियत वाला है, क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं? बताइए क्या आप रियल में भी? पता नहीं यार, अजीब बात है, मैं तो हैरान हो गई हूँ, ये लोग आजकल वाकई बहुत सवाल पूछ रहे हैं मेरे से। क्या? वो एक लड़की बड़ी हम्बल बिगनिंग से है और हिजाब भी करती है, और ये मेरी जॉब है एज एन एक्टर हर किस्म का किरदार करना। पता नहीं लोगों को बड़ी दिक्कत पेश आ रही है ये यकीन करने में कि रियल लाइफ में तो मैं उस किरदार से भी ज्यादा मासूम। रियल लाइफ में आप ज्यादा मासूम? मैं ज्यादा मासूम। अच्छा, तो ये इनको महसूस क्यों नहीं हो रहा है? नहीं महसूस हो रहा। इसके ऊपर भी कोई एक रिसर्च करिए, रिसर्च करनी चाहिए। मगर क्या आपको लगता है कि उसकी वजह ये कि इट्स द अदर इमेज दैट यू पोर्ट्रे, शायद वो उसके ऊपर आ रहा है, तस्वीरें ग्लैमरस एंड एवरीथिंग, बिल्कुल उसकी वजह से शायद लोगों को या जो भी परसेप्शन है मासूम का वो नहीं लग रहा? हाँ जी वही वजह, इस वजह से आपको शायद नहीं लग रहा वो कह रही हैं। जी क्वेश्चन किनका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल अहमद है। अरे आप तो नाम से ही लेजेंड हैं, छोड़े सवाल। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा मैम आपसे ये क्वेश्चन, आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आप बहुत ज्यादा फिल्में देखती हैं, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिससे आपने इंस्पायर होके अपना फिल्म मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया? नहीं ऐसी कोई एक फिल्म नहीं है, ये बड़ा मुझे लगता है गलत सवाल है। तीन बता दें। बचपन में मुझे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बहुत पसंद थी। और जवानी में? पाकिस्तान से मुझे चूड़ियां फिल्म बहुत पसंद थी। ठीक है। एक और अंग्रेजी फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड। तो ये तीन मेरी ऑल टाइम फेवरेट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरगुल है। मेरा सवाल मैम से है, जब आपने अपनी पहली फिल्म लिखी थी तो आपने क्या सोचा था कि वो अपनी इतनी बड़ी स्क्रीन पर नशर होगी या उसे इतनी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी? सच्ची बात बताऊं तो यूनिवर्सिटी के टाइम से और उससे पहले भी जब लिखती थी तो ये वैसे नहीं पता था कि बन भी जाएगी एक दिन, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया, बहुत सपोर्ट किया, और वो एक के बाद एक मैं जितने ज़्यादा लोगों को वो फिल्म सुनाती थी और जितने ज़्यादा लोग उसे रिजेक्ट करते थे उतना ही मुझे यकीन होता था कि ये ज़रूर बनेगी। अच्छा। पता नहीं अब वो क्या है, वो एक कोई एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं शायद वर्ड्स में कर पाऊँ, लेकिन जितनी बार उसका प्लान कैंसिल होता था मेरा बिलीव और ज़्यादा पक्का हो जाता था कि ये बनेगी, ये सही लोगों से बनेगी और ये सही वक्त पर ज़रूर आएगी। तो यानी कि आपका कहना है जितनी रिजेक्शंस हो रही थी उससे आपको लगता था आप ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती थी कि जरूर बनेगी। कैसे सुना आपने ये, क्या कहा उन्होंने कि जितनी रिजेक्शंस हो रही थी उससे ज्यादा उससे उनका बिलीफ और स्ट्रांग हो रहा था? एक्चुअली आपके फेलियर्स और रिजेक्शन ही आपको आर्टिस्ट भी बनाते हैं। कौन कामयाब होने की वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाता है मुझे बताएं? बस मेरी खुशी में शिद्दत नहीं होती इतनी जितनी मेरी, तो फिर रिजेक्शंस ही हैं। हाँ बहुत ज्यादा, को 1300-1400 रिजेक्शंस हैं। माशाल्लाह अब आपको सीधा हॉलीवुड में लैंडिंग करनी है। अब तो मैं टर्मिनेटर हो गया हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, टेंशन ही नहीं, कोई बात नहीं है। तो अच्छा आप जितनी माशाल्लाह प्यारी हैं, लाखों लोगों का क्रश हैं आप, ठीक है? मैं काश के इस पानी के अंदर डूब जाऊं। करोड़ों करोड़ों लोगों का क्रश है आप। ओए होए, आपका भी कोई क्रश हुआ है वैसे कोई जिंदगी में बचपन में से बड़े होके थोड़ा, या कोई एक्टर वगैरह? कोई भी क्रश कोई भी हो सकता है, हर उम्र में आपका क्रश होता है। तो बचपन में तो शाहरुख खान ही था, और अब आई थिंक हमारे यहाँ के एक्टर्स में नहीं, यहाँ के एक्टर्स का नाम नहीं। आप मुझे बताइए दो तीन मंगोलिया के अच्छे अच्छे लड़के। नहीं यहाँ के एक्टर्स भी बहुत जबरदस्त हैं। खुद ही आप नाम नहीं ले रही। अहमद अली अकबर बहुत अच्छे, अहमद अली अकबर क्रश मटेरियल भी हैं और एक्टर मटेरियल भी हैं, ठीक है। वहाज बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, ठीक है। अहमद अली अकबर और वहाज हैं वो तो, लेकिन क्रश जो होता है, अबे क्रश ही बता रही हैं, क्रश करके वसन के, मैं वो क्रश नहीं पूछ रहा है, मैं जो क्रश हो क्रश नहीं होता
हर वक्त सोच मसल जहन में है कि अल्लाह करे ये मुझे मिल जाए, ये नहीं देखे ये वो आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। तुसी आंदे जेड़ा भाई क्या था ना वो काम खराब हो गया। आपको भाई कहा था मैंने, स्लिप ऑफ टंग आपको जवाब मिल गया अपना कि उन्होंने क्रश के नाम आपको बता दिया कि वहाज अली और अहमद अली अकबर। लेकिन ये भी कहा है कि जहाँ पे केसर पिया हो वहाँ पे कलम टूट गया, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो तो आपने आखिरी किया ना बिल्कुल, सच्ची बात होती है ना, असल में आप क्रश और मोहब्बत छुपा के रखते हैं, तो पहले मैंने इसलिए उनका नाम नहीं लिया था कि मैं वो छुपा रही थी। अच्छा वैसे अगर ऐसी मोहब्बत या क्रश हो तो वो छुपाना ही चाहिए। क्यों साइकिल चोर बैठा था।